सवालों से घिरी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने सोमवार सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर कर दिया। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। अनुज को भी मंगेश की तरह सुबह तड़के ही ढेर कर दिया गया। सुबेरे भोज 4:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब उन्नाव पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को इस स्थान पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उसके बाद पुलिस अनुज प्रताप को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर से मृत घोषित कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ एसटीएफ की टीम ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी को उन्नाव में घेरा। जिले के अचलगंज थाना इलाके में उन्नाव पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर पर एसटीएफ की गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। गंभीर रूप से जख्मी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के इलाके का रहने वाला है। उस पर पुलिस ने मंगेश की तरह 1,00,000 का इनाम रखा था। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनकपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1,00,000 का इनामी था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि सुल्तानपुर डकैती का जो वीडियो पुलिस ने जारी किया था, उसमें दावा है कि दुकान के अंदर सबसे पहले अनुज प्रताप सिंह ही घुसा था। उसी ने सबसे पहले दुकानदार भरत सोनी और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया था। अनुज के बाद ही गैंग के बाकी 4 साथी दुकान के अंदर घुसे थे। वहीं सुल्तानपुर डकैती केस में अनुज से पहले एसटीएफ मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। इसी एनकाउंटर को लेकर प्रदेश में राजनीति उबाल पर है। यूपी एसटीएफ पर सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। इसी बीच इस मामले में एक और एनकाउंटर ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया है।